हेलो फ्रेंड्स, टेक विथ स्माइल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब सीखेंगे, दोस्तों अगर आपके पास स्वैप्सी का अकाउंट है, आप अपना स्वैप्सी का अकाउंट चलाते हैं और आप अपना जो उसमें बैंक अकाउंट ऐड कर रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका वो अकाउंट अगर बंद हो गया है या फिर आप दूसरा कोई बैंक में अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो उस अकाउंट को जो पुराना वाला अकाउंट आपने जो ऐड किया उसको कैसे डिलीट करना है उसका तरीका नहीं मालूम है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताऊँगा, डिलीट करके आपको दिखाऊँगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप चाहते हैं तो दूसरा अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप सही वीडियो पे आए हैं, आप बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों आपको अपना जो है स्वैप्सी एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो कई सारे ऑप्शंस खुल के आपसे सामने आएंगे आपके। यहाँ पे दोस्तों आपको माई बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप जो पहले से पुराना अकाउंट अपने ऐड कर रखा हुआ होगा तो यहाँ पे देखिए अकाउंट वेरीफाइड का ऑप्शन मिलेगा और आपका जो पुराना वाला बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर बैंक अकाउंट, क्या आप चाहते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका बैंक अकाउंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप डिलीट हो जाता है तो आप फिर से आप यहाँ पे बैक हो जाएंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद फिर से आपको जो माई बैंक अकाउंट में आ जाना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से दोस्तों देखिए आपका बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल गया है। अब यहाँ से दोस्तों आप चाहते हैं कि दूसरा कोई अकाउंट अपना ऐड करना चाहते हैं जिससे ताकि जिससे आप अपना जो है ऑर्डर कैंसिल करें तो आपका जो रिफंड अमाउंट है आपके बैंक में सेटल हो सके, तो आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको मैसेज बता रहा है कि स्वैप्सी आपके अकाउंट में एक रुपया भेजेगा ताकि आपके अकाउंट को डिटेल्स का वेरीफाई किया जा सके कि यहाँ आपका अकाउंट एक्टिव है और सही है। तो यहाँ से अब दोस्तों आपको देखिए आपको मिल रहा है अकाउंट होल्डर नेम, आपका जो जिस भी नाम से आपका खाता होगा वो वाला आपका नाम डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। दूसरे नंबर में आपको फिर अकाउंट नंबर डाल के कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे आपसे आईएफएससी कोड डाल देना है। जैसे ही सारे डिटेल्स भर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सेव डिटेल्स वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ सेव वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में स्वैप्सी एक रुपया ऐड करेगा, ट्रांसफ़र करेगा ताकि आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जा सके, तो आप अपना अकाउंट इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम अपना बैंक का डिटेल्स भर लेते हैं। भरने के बाद से मैं आपको सेव करके आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के तौर पे आपको, ताकि आपको पूरा प्रूफ मिल जाए कि हाँ मतलब इस तरीके से आपका काम हो सकता है। तो चलिए सारा डिटेल्स भर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना सारा डिटेल्स भर लिया है, आपको भी इसी तरीके से डिटेल्स भर लेना है। भरने के बाद से सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में बताएगा, आपके अकाउंट में जैसे ही आपके अकाउंट में एक रुपया आपका ऐड हो जाता है तो आपका जो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको सक्सेसफुल का मैसेज मिलेगा और आपका जो अकाउंट यहाँ पर आपका अकाउंट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो है पूरा अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं और अपना अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं। दूसरा अपना अकाउंट चाहते हैं कि ऐड हो जाए जिसमें आपका पैसा आपका रिफंड आपका जो सेटल हो सके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट तरीका। कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के? अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक करिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।